Hallelujah. Hallelujah. So अगर आप अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं, दूसरी बात, अगर आप लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, आप लोग भी अगर आप लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं, तो इस वचन को आप जरूर सुनिएगा। आप लोग ध्यान से वचन को सुनिएगा। अगर आप अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं और आपके द्वारा दूसरों के जीवन में चमत्कार हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप इस वचन को सुनिएगा। मैं आज आपको चमत्कार करने का सबसे बड़ा तरीका सिखाना चाहता हूं। आप चमत्कार कैसे कर सकते हैं? पवित्र बाइबल में से चमत्कार करने का सबसे बड़ा तरीका कौन सा है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और पहले परमेश्वर पिता के द्वारा चमत्कार हुए, फिर नबियों के द्वारा चमत्कार हुए, परमेश्वर मसीह के द्वारा चमत्कार हुए, परमेश्वर मसीह के चेलों के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हुए, और अब आपकी बारी है। हालेलुया, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है चमत्कार करने की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो पहली बात आपको जो मैं बताना चाहता हूं, मरकज 16 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। 17 और 18 वचन, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। सबसे पहले आपको जो मैं बता रहा हूं, पहली बात कि यहां लिखा हुआ है, मेरा नाम लेकर परमेश्वर कहते हैं दुष्ट आत्मा को निकालेंगे और बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है। क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे और बपतिस्मा ले तो वह ये चमत्कार करेगा। कौन से? अभी आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं, आप ध्यान से पूरा समझिएगा। कौन से चमत्कार? बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे और मेरा नाम लेकर प्रभु यीशु कहते दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। कौन लोग? कौन निकालेंगे? कौन ये करेगा चमत्कार? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और बपतिस्मा लेता है। ये बहुत जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और बपतिस्मा लेना। प्रेरितों के काम में एक व्यक्ति था, एक परिवार था, और उन्होंने ये देखा कि पलुस प्रभु यीशु का नाम लेता है और भूत निकल जाते हैं। तो उसने कहा, मैं भी यही काम करता हूं। तो किसी में भूत था, दुष्ट आत्मा थी, और उसे ये कहने लग गया, पलूस जिस नाम से प्रभु यीशु का नाम लेकर भूत निकालता है, मैं भी कहता हूं उसी नाम से तू भूत निकल जा। तब उन्होंने क्या किया, भूत जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसने उसको ही पकड़ लिया, पकड़कर उसे मारा पीटा और उसे कपड़े फाड़ दिए, क्योंकि उसने देखा, अरे पलूस तो ऐसे भूत निकाल रहा है, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, तो मैं भी ऐसे ही निकाल लेता हूं। उसने विश्वास नहीं किया था और बपतिस्मा नहीं लिया था। तो इसलिए पहली बात जो आपको मैं बता रहा हूं वो है कि आपको परमेश्वर मसीह पर विश्वास करना है। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, यानी कि विश्वास करने वाले ही ये चमत्कार करेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो गए। हालेलुया। अभी बड़े चमत्कारों के बारे अभी आपको नहीं बताया मैं, अभी आगे चलकर देखेंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार आम नॉर्मली बीमार, बीमार पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को भी निकाल लेंगे मेरा नाम लेकर, पर विश्व मसीह जी कहते हैं। हालेलुया। हालांकि मरकुस 6:12 और 13 वचन कहता है, जब चेले गए उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहतेरे
दुष्ट आत्मा को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। कईयों के ऊपर तेल मलकर भी चंगाई आती है, कईयों के ऊपर तेल लगाया जाता। चेले जो थे उन्होंने तेल मलकर लोगों को चंगा किया। सो अभिषेक का तेल भी उनके ऊपर लगाकर प्रार्थना की जाती है और चंगाई मिलती है। यकूब 5 अध्याय उसका 14 और 15 वचन भी कहता है कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्रचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। सो ये तो है एक तेल लगाकर भी कर सकते हैं। वहां लिखा हुआ बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे होंगे, तो ये एक नॉर्मल चंगाई है, आम चंगाई है। लेकिन इससे भी आगे अगर आप बड़े चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको समझना है, पूरे बात को समझना है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन तक लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा हर एक जन को अलग अलग वरदान दे देता है। आप चाहें तो एक वरदान ले सकते हैं, 2, 4, 10, 9 के 9 है ना, पूरे 9 के 9 वरदानों को आप ले सकते हैं प्रभु से। पवित्र आत्मा के 9 वरदान हैं। तो उसमें जो एक वरदान है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, विश्वास, चंगा करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने का की शक्ति, भविष्यवाणी का वरदान, आत्माओं की परख, अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये 9 वरदान है। तो इसमें जो मैं आपको बता रहा हूं, चंगा करने का वरदान, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, चंगा करने का वरदान आपको मिलेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा का जब वरदान है ये, जब आप पवित्र आत्मा के वरदान को पालेंगे तो आपके पास चंगा करने का वरदान आ जाएगा। हालेलुया। और आप किसी के सिर पर हाथ रखेंगे, जहां आप, मैं आपको तरीका बताऊंगा दूसरा तरीका भी, तो क्या होगा, लोग चंगे होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप सामर्थ्य के काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बड़े बड़े चमत्कार हों आपके द्वारा आपके जीवन में या दूसरों के जीवन में, वर्किंग ऑफ मिराकल्स, बड़े बड़े सामर्थ्य के काम, लिखा हुआ है हिंदी में लिखा है सामर्थ्य के काम करने का वरदान, सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, सामर्थ्य के काम करना। एक तो बीमार पर आप हाथ रखेंगे तो बीमार चंगा हो जाएगा, दुष्ट आत्मा को आप निकाल लेंगे पर विश्व के नाम से तो वो निकल जाएंगी, चंगाई करने का वरदान आपको पवित्र आत्मा के द्वारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सामर्थ्य के काम करना चाहते हैं, बड़े बड़े सामर्थ्य के कामों को करना चाहते हैं, तो आपको पवित्र आत्मा का वरदान पाना है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि एक ही आत्मा जन के पवित्र आत्मा सबको अलग अलग वरदान दे देती है। 9 वरदानों में से 1, 2, 3, 4, 5, किसी को 6, किसी को 3, किसी को 2, किसी को 7, है ना, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं, 9 के 9 भी हो सकते हैं। तो जब सामर्थ्य के काम करने का आपको वरदान मिल जाएगा, जब सामर्थ्य के वरदान को पालेंगे आप प्रभु से, तो आपके द्वारा बड़े बड़े मिराकल होंगे, चमत्कार होंगे, चिन्ह और चमत्कार होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं निर्गमन 4 अध्याय 21 वचन। अब मान लो आपके पास ये वरदान है कि आप बड़े सामर्थ्य के काम कर सकते हो, आपके पास ये वरदान है कि आप सामर्थ्य के काम कर सकते हो, आपके पास वरदान है चंगा करने का, और अगर आप विश्वास करते हैं परमेश्वर मसीह पर तो बीमार पर हाथ रखोगे तो बीमार चंगे होंगे और दुष्ट आत्मा को निकालोगे परमेश्वर के नाम से। अगर परमेश्वर ने आपको ये वरदान दे दिए हैं और दे चुके हैं, अगर आपको ये वरदान मिल चुके हैं, सामर्थ्य के काम करने का वरदान मिल चुका है, तो उसको प्रभावी कैसे करना, उसको काम में कैसे लेना है, वो आपको बताना चाहता हूं मैं। निर्गमन 4 अध्याय 21 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं, जो चमत्कार तेरे वश में किए हैं उन्हें तू दिखलाना। अगर परमेश्वर ने तुझे चमत्कार करने की सामर्थ्य दे दी है, अगर परमेश्वर ने तुम्हें चमत्कार करने की सामर्थ्य दे दी है, तो उन्हें क्या करना, क्या करना, दिखलाना। क्या लिखा है, जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना। सो अगर
आपने परमेश्वर मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और आपके पास ये वरदान है, आपको आपके पास ये आशीष है कि आप बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे होंगे, आप दुष्ट आत्मा को निकालेंगे परमेश्वर के नाम से। अगर आपको पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान यह भी मिल चुका है, चंगा करने का वरदान, अगर आपको सामर्थ के काम करने का भी वरदान मिल चुका है, तो आपको उनको प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे प्रकट कैसे आप करेंगे? अगर आपको ये सारे वरदान मिल गए हैं लेकिन आप को जो मैं तरीका बता रहा हूं इस्तेमाल करने का, उन्हें वैसा इस्तेमाल भी करें, आप अपने आप को मामूली ना समझें। हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूं, आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में चमत्कार किस लिए, क्यों अपने चमत्कार दिखाते हैं, है ना, परमेश्वर मसीह क्यों चमत्कार दिखाते हैं, क्यों चमत्कार होते हैं परमेश्वर मसीह के नाम से? लिखा हुआ है यूहन्ना 20 अध्याय 30 और 31 वचन, प्रभु यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो। चमत्कार किस लिए? कि तुम विश्वास करो कि प्रभु यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। चमत्कार क्यों करते हैं? ता जो मान लो मेरे द्वारा मैं परमेश्वर चमत्कार करते हैं, हमारी भक्ति या हमारी शक्ति से चमत्कार नहीं, बल्कि सब कुछ चमत्कार किसके नाम से होते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन इस्तेमाल परमेश्वर हमें करना चाहता है, वरदान उसने हमें दिए हैं, हमें परमेश्वर के काम को करना है। किस लिए चमत्कार परमेश्वर करना चाहते हैं? मान लो मेरे द्वारा कोई चमत्कार किया तो परमेश्वर क्या कहना चाह रहे हैं? परमेश्वर यह कहना चाहते हैं कि बाकी जो बातें मैंने अभी बताई वचन में से, कि परमेश्वर से जगत का उद्धार करता है, परमेश्वर से मुक्ति दाता है, परमेश्वर से आपके जीवन में आशीष देगा, शांति देगा, छुटकारा देगा, और जब चमत्कार होता है तो वो मोर लगा देता है कि जो परमेश्वर के दास ने कहा वो सत्य है, इस पर विश्वास करके, परमेश्वर मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन को पाए। चमत्कार इसलिए किए जाते हैं ताकि बीमारियों का राज्य खत्म हो जाए, शैतान का राज्य खत्म हो जाए, और चमत्कार इसलिए किए जाते हैं कि परमेश्वर की महिमा हो, लोग जान जाए कि ये सच में परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है। जब परमेश्वर की महिमा होगी तो आपकी महिमा भी होगी, जब परमेश्वर की महिमा होगी तो आपकी महिमा भी होगी ना, क्योंकि लोग देखेंगे ओ परमेश्वर ने इतना बड़ा चमत्कार किया, और फिर वो कहेंगे किसके द्वारा हुआ? अच्छा हम लोग वहां गए थे गंगानगर चर्च में गए थे, वहां ऐसा हुआ। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करना चाहते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको ये बताऊं, अगर आपके वश में चमत्कार कर दिए गए हैं, आपको वरदान मिल चुका है, आप सबको वरदान है कि आप लोगों को जीवनों में चमत्कार से भरें परमेश्वर मसीह के नाम से। याद रखें परमेश्वर मसीह के नाम के बिना कुछ नहीं है। सबसे पहले परमेश्वर मसीह पर विश्वास करना और जो कुछ भी परमेश्वर मसीह के नाम से, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद अगली ये वरदान और सब बातें चालू होती हैं। तो अगर आपके पास सारे वरदान आपके पास हैं, परमेश्वर आपको दे दिए हैं, तो आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। सबसे बड़ा तरीका आपको बताना चाहता हूं, और वो ये तरीका है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया वो तरीका, मरकस 11 अध्याय और 23 वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तुम उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। हालेलुया। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी बात कही है, एक चमत्कार करने का सबसे बड़ा तरीका बताया हुआ है, सबसे बड़ा तरीका कैसे प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं, कैसे। और वो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप अपने मुंह से कहें,
आपके पास वरदान है, आपको प्रभु ने वरदान दिया है, आपको प्रभु ने वरदान दिया है, परमेश्वर मसीह के वरदान है, पवित्र आत्मा के वरदान है आपके आपके पास, आप बोलें अपने मुंह से, क्या करें, बोलें, क्या बोलें, चमत्कार, ये नहीं कि चमत्कार चमत्कार, ये नहीं, क्या बोलें, परमेश्वर मसीह के नाम से ए बीमारी निकल जा, परमेश्वर के नाम से गांठ निकल जा, परमेश्वर मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा, परमेश्वर के नाम से बरसात बंद हो जा, परमेश्वर के नाम से बरसात आनी शुरू हो जाए, परमेश्वर के नाम से ऐसा हो जाए, परमेश्वर के नाम से ऐसा हो जाए। आपको क्या करना है, मुंह से, अपने मुंह से विश्वास के साथ बोलना है। बड़ी बात, आपको विश्वास के साथ अपने मुंह से बोलना है। हालेलुया। और जो आपने बोल दिया उस पर आपको विश्वास करना है। क्या लिखा हुआ है, अगर आप इस आयत को समझ गए तो आप बड़े बड़े चमत्कार करने वाले बन जाएंगे। हो सकता आप आज इसलिए आए हो कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करो, परमेश्वर जी मेरे जीवन में चमत्कार करो। इतने इतने दूर से आते हैं, विदेशों से आते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करे, लेकिन हम आपको चमत्कार करने वाले बताना चाहते हैं। हालेलुया। आप चमत्कार करने वाले बन जाएं जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और बपतिस्मा लिया है। आप चमत्कार करने वाले बन सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बपतिस्मा लिए हुए, परमेश्वर मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किए हुए आपको एक दिन हुआ है या आपको 10 साल हुए हैं, कोई फर्क नहीं। आपको परमेश्वर ने वरदान दे दिया है तो आपको अपने मुंह से बोलना है, आपको अपने मुंह से बोलना है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो वहां पर चमत्कार बड़े मिराकल नहीं होंगे। ठीक है, बीमार पर हाथ रख दिया और चंगा हो गया, लेकिन अगर आप बड़े बड़े चमत्कार चाहते हैं तो आपको अपने मुंह से बोलना है। लिखा है अगर कहें और प्रतीति करें कि जो कहता हूं वो हो जाएगा तो उसके लिए वह हो जाएगा। आप अपने मुंह से बोलें, परमेश्वर के नाम में बोलें, परमेश्वर के नाम में सामर्थ्य है। हम क्या करते हैं, हम कोई जंगलों में भक्ति करके नहीं आते, भी पूरा हफ्ता जंगल में भक्ति करने गए थे और एतवार को आ गए, फिर एतवार रात को चले गए भक्ति करने और फिर एतवार को आ गए, चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। पूरा पूरा हफ्ता भूखे रहे प्यासे रहे, हाँ ये बात ठीक है, हम लोग उपवास रखते हैं, लेकिन भूखे रहे प्यासे रहे और चमत्कार हो गए, ऐसा नहीं है। हम परमेश्वर मसीह के नाम से बोल देते हैं, हालेलुया, और जो बोल देते हैं उस पर विश्वास करते हैं कि जो बोला गया है परमेश्वर मसीह उसे पूरा करेंगे। हालेलुया। आप इस सिद्धांत को समझें जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। उत्पत्ति 1:1 आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने क्या किया, शुरू में आकाश, सूरज चंद्रमा तारागण, इस पृथ्वी को, पेड़ पौधे पशु पक्षी जानवर और समुंदर, सब कुछ को किसने बनाया, परमेश्वर ने। लेकिन बनाया कैसे, बनाया कैसे, बोलकर। हालेलुया। उत्पत्ति 1:3 तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। जब परमेश्वर ने बोला, अपने माइंड में सोचा कि ऐसा बनाना है, और फिर परमेश्वर ने बोल दिया उजाला हो, और क्या हो गया, उजाला हो गया। हालेलुया। तो मैं आपको यह बताता हूं, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो भी मुंह से बोल देते थे वो सब पूरा होता था। हालेलुया। जो जो बोल दिया वो सब पूरा हो गया, और वही सिद्धांत आप पर लागू होता है, जो आप बोलेंगे परमेश्वर मसीह के नाम से वो पूरा हो जाएगा। परमेश्वर का उजाला हो और उजाला हो गया, परमेश्वर का यह बन जा और वो बन गया, परमेश्वर का यह हो जा और वो हो गया, परमेश्वर अपने मुंह से बोला। हालेलुया। उसके बाद यहोवा परमेश्वर के बाद यहोवा परमेश्वर के नबी आए। पवित्र बाइबल में बहुत से नबी हैं, लेकिन मैं एक वचन आपको पढ़ाना चाहता हूं। जब यहेजकेल 37 में उसका 7 कहता है, जब आप 37 पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, आत्मा परमेश्वर का आत्मा
पवित्र आत्मा ये हिजकेल को एक हड्डा रोड़ी में ले गया, ऐसा कहूं। यहां पर क्या थी? हड्डियां, हड्डियां सूखी हड्डियां थी, सूखी हड्डियां थी इंसानों की। तो मैं सोचता हूं कहीं युद्ध हुआ होगा और बहुत बड़ी सेना थी वहां पर जो मारी गई होगी, और किसी की टांगे इधर पड़ी हैं, किसी के हाथ वहां पड़े हैं, पूरी हड्डियां सूख चुकी थी। तब परमेश्वर ने कहा वहां पर मुझे चमत्कार करना है, तो तू वहां जाकर बोल, वहां बोल दे जाकर। क्या बोलना था? कि हे हड्डियों तुम जी उठोगी। तो लिखा है मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था, यानी कि मैं बोल रहा था, परमेश्वर का दास बोल रहा था, नबी बोल रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। वो बोल रहा था कि परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से, हे हड्डियों जुड़ जाओ। और एकदम क्या हुआ? आहट हुई, भूकंप सा आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि किसी की हड्डी वहां पड़ी थी, किसी के सिर इधर पड़ा था, टांगे उधर पड़ी थी, हाथ वहां पड़े थे, एकदम एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, हड्डी के साथ हड्डी जुड़ गई। अब वो हड्डियां सूखी हुई थी। और 37:10 यह जिकेल, फिर उसने परमेश्वर से आज्ञा पाकर कहा मैंने भविष्यवाणी की कि इनमें सांस आ जाए, क्योंकि हड्डी से हड्डी तो जुड़ गई थी लेकिन सांस अभी तक उनके अंदर नहीं था। उसने कहा कि इनके अंदर सांस आ जाए, तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया, एक बहुत बड़ी सेना हो गई एकदम, जैसे उसने कहा यहोवा परमेश्वर के नाम से मैं विश्वास नहीं करता, मैं बोलता हूं कि इनके अंदर सांस आ जाए। पहले कहा हड्डी से हड्डी जुड़ जाए, अगर उसने इतना बोला तो उतना हो गया, हड्डी से हड्डी जुड़ गई। दूसरी बार उसने कहा हड्डियां तो जुड़ गई हैं, इनके ऊपर नसें उपजे, चमड़ी चढ़ जाए, तो नसें उपज गई, चमड़ी भी चढ़ गई, लेकिन जान अभी तक नहीं आई थी उनके अंदर, प्राण नहीं आए थे। तो उसने कहा यहोवा परमेश्वर के नाम से इनके अंदर प्राण आ जाए, और उनके अंदर प्राण आ गए। हालेलुया। सो इसलिए यहोवा परमेश्वर बोले और हो गया, यहोवा परमेश्वर के नबियों ने बोला और वो हो गया। हालेलुया। स्वर्ग छोड़कर जब परमेश्वर से इस धरती पर आए, मत्ती 28:18 परमेश्वर ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसके पास अधिकार था? प्रभु यीशु के पास। प्रकाश वाक्य 1:17 प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। प्रकाश वाक्य 1:18 मैं मर गया था और अब देख मैं जुगन जुग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार था, मौत और पताल की कुंजियां उसके पास थी। जुगन जुग प्रभु यीशु से जीवते हैं, वो मर गए थे हमारे लिए लेकिन मुर्दों में से जी उठे, वो ही प्रथम है, वो ही अंतम है, वो ही जीवते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह कैसे चमत्कार करते थे? प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोल देते थे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बोलते थे। यूहन्ना 4:50 कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु से कहने लगा मेरा बेटा मरने वाला है और बस वो मर ही रहा है, तो चलकर उसे चंगा कर दे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने प्रभु की यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया, और रास्ते में उसे पता चला उसका बेटा जीवित है। हालेलुया। यह लिखा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, प्रभु यीशु ने बोला, क्या बोला? जा तेरा पुत्र जीवित है।
उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी परमेश्वर के नाम से, है ना, क्योंकि परमेश्वर से खुद बोल रहे थे जा तेरा पुत्र जीवित है। हालेलुया। और वो जीवित मिला। हालेलुया। यार की बेटी मर गई थी, वो कहने लगे गुरु को दुख ना दे क्योंकि वो तो मर गई। परमेश्वर ने कहा हिम्मत रख, हौसला रख, वो मरी नहीं वो सो रही है, वो जी उठेगी। परमेश्वर ने कहा और उसे उठाया और वो जी उठी। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करते थे अपने मुंह से बोलकर। मत्ती 8 अध्याय 24 25 और 26 वचन में जब तूफान आ जाता है, झील में तूफान आ जाता है, तब क्या होता है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। क्या किया परमेश्वर मसीह ने? डांटा। कैसे डांटा? मुंह से बोलकर, ए तूफान थम जा, थम जा, तुझे आज्ञा देता हूं थम जा, और वो शांत हो गया, तूफान थम गया। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोलते थे, जो बोलते थे वो वैसा ही हो जाता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाकर गए वो कि आप जो बोलें उस बोली हुई बात पर विश्वास कर लें तो वो तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया। मत्ती 8 अध्याय 8 सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं से योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। जानकि वो सूबेदार था और उसे मालूम था, वो परमेश्वर से, परमेश्वर कहते चल मैं चलता हूं ठीक कर दूंगा उसे। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, लकवे का मारा हुआ था उसका सेवक। उसने कहा सिर्फ परमेश्वर से अपने मुख से बोल ही दे। उसे मालूम था अगर परमेश्वर से अपने मुंह से बोल देंगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने बोला और वो सब हो गया। यहोवा परमेश्वर के नबियों ने जो बोला और वो हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ बोला वो हो गया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाए गए, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जो कुछ बोला वो हो गया। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 वचन तब पतरस ने कहा, पतरस ने कहा चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। जन्म का लंगड़ा जो भीख मांगा करता था, जब परमेश्वर का दास पतरस पास में जा रहा है उसने हाथ कर दिया। उसने कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास वह तुझे देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से चल फिर। वो जन्म का लंगड़ा चलने लग गया। हालेलुया। हालेलुया। वहां लिखा था पतरस ने कहा, 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 अपने मुंह से कहा। हालेलुया। 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 सो परमेश्वर के लोगों, यहोवा परमेश्वर ने कहा, यहोवा परमेश्वर बोले और वैसा हो गया। यहोवा परमेश्वर के नबियों ने कहा वैसा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा वैसा हो गया। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा वैसा हो गया। और अब आपकी बारी है। हालेलुया। अब आपकी बारी है। आप जो कुछ कहेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हो जाएगा। आज जो कुछ हम अपने मुंह से बोलेंगे, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहेंगे वो सब हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको अपने मुंह से बोलना है। पहला आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और बपतिस्मा लें, बीमारों पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और दुष्ट आत्मा निकलेंगी। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा का वरदान पा लिया, पवित्र आत्मा के वरदान, चंगा करने का वरदान और सामर्थ्य के काम करने का वरदान भी आ गया, चमत्कार आपके वश में कर दिए, फिर भी आपको बोलना है। हालेलुया। जब आप बोलेंगे परमेश्वर के नाम से चंगा हो जा और परमेश्वर मसीह के नाम से चंगाई मिलेगी। हालेलुया। जब बड़े बड़े क्रूसड होते हैं, हम लोग बड़ी मीटिंगों पे जाते हैं, हम क्या करते हैं? बोलना बहुत कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं? बस इतना कहते हैं परमेश्वर के नाम से ये बीमारियां निकलें, परमेश्वर के नाम से गांठें निकलें, परमेश्वर के नाम से कान खुल जाएं, परमेश्वर के नाम से ऐसा हो जाए, और मुंह से क्या करते हैं? बोल देते हैं और विश्वास करते हैं जो मुंह से बोल दिया करते हैं। पिछले एतवार को भी परमेश्वर ने एकदम मन में डाली बात,
कि जो कानों से नहीं सुन सकते वो अभी आ जाएं। और जितने भी लोग थे, 6-7 लोग थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोला गया कि प्रभु यीशु के नाम से इनके कान खुल जाएं, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय उनके कानों को खोल दिया। जब आप अपने मुंह से बोलेंगे तो चाहे आपके वश में चमत्कार हैं, लेकिन आपको बोलना है। अगर आप बड़े चमत्कार करना चाहते हैं तो आपको अपने मुंह से बोलना है। हालेलुया। बोलना कैसे है? प्रभु यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हुए बोलना है, और विश्वास है कि जो कुछ मैंने बोला है वो प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आपको बोलना है। जब मैं प्रार्थना कर रहा होता हूं, अगर आप उस समय मेरे साथ बोलें तो और भी दिक्कत। मैं ये मान लो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, क्या प्रार्थना कर रहा हूं? प्रभु यीशु के नाम से सारी गांठें निकलो। क्या किया मैंने? बोल दिया। और आप जो हमारी चर्च के लोग हो, आप जो वचन को सुन रहे हो अभी, जो चर्च के लोग हो, अगर आप भी उसी समय यह बोल दें कि प्रभु यीशु के नाम से सारी गांठें निकल जाएं, ना? जहां जब मैं कह रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से सारी गांठें निकल जाएं, आप कह दें आमीन। आमीन मतलब पक्का ऐसा ही होगा। इसका मतलब उस समय आप मेरे साथ बोल रहे हैं। मैं लंबी प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे, प्रभु यीशु के नाम से लोगों के कान खुल जाएं, प्रभु यीशु के नाम से पेट की बीमारियां खत्म हो जाएं, आप कह दें आमीन आमीन आमीन। मतलब ऐसा ही हो। इसका मतलब आप भी यही कह रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु के नाम से यहां चमत्कार हो, प्रभु यीशु के नाम से चमत्कार हो। पहले मैं अकेला बोल रहा हूं, अब आप सैकड़ों लोग साथ में मेरे बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं, हम सब मिलकर बोल रहे हैं, एक मन होकर बोल रहे हैं, वहां पर बहुत बड़े 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 चमत्कार होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अगर आपके आपको चमत्कार करने का वरदान दिया हुआ है, सामर्थ्य के काम करने का वरदान दिया है, चंगा करने का वरदान दिया है, चमत्कार आपके वश में कर दिया है, फिर भी आपको अपने मुंह से बोलना है, बोलना है। जब भी आप उठें, अपने घर की वस्तुओं को आशीष दें, अपनी गाड़ियों को आशीष दें, परमेश्वर के नाम से गाड़ियों को आशीष देता हूं, परमेश्वर के नाम से पेड़ पौधों को आशीष देता हूं, परमेश्वर के नाम से मेरे खेती पर आशीष आ जाए, परमेश्वर मसीह के नाम से मेरे पशुओं पर आशीष आ जाए, फलवंत हो मेरे पशु, परमेश्वर के नाम से खेती फलवंत हो, परमेश्वर के नाम से मेरा बिजनेस फलवंत हो। आपको बोलना है परमेश्वर के नाम में, और लोगों के लिए भी बोलना है, अपने मन में नहीं। मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार। आपको मन में विश्वास करके बोल देना है परमेश्वर के नाम से ऐसा हो जाए। हालेलुया। निश्चय वहां पर चमत्कार होंगे। कई बार लोग गवाही नहीं देते, मुझे मालूम है, हम जानते हैं बातों के लिए, लेकिन जैसे आप बोलेंगे वहां पर चमत्कार जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग गवाही 2-4 दिन के बाद देते हैं, अगले हफ्ते देते हैं, कहते चेक करेंगे पहले ठीक हुए कि नहीं हुए अच्छे से, और कुछ लोग उसी समय अंगीकार करते हैं, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। सो फिर एक बार आपसे कहता हूं, यहोवा परमेश्वर ने बोले चमत्कार हुए, यहोवा परमेश्वर के दास बोले, नबी बोले चमत्कार हुए, परमेश्वर से अपने मुंह से बोले चमत्कार हुए, परमेश्वर से के चेले बोले चमत्कार हुए। अब आपकी बारी है, आपको बोलना है, आपके बोलने से परमेश्वर के नाम से चमत्कार होंगे। हालेलुया। अब आपकी बारी है, आपको बोलना है, परमेश्वर के नाम से बोलेंगे और चमत्कारों को पाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपके साथ रहें। हालेलुया।